हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सर्वर ग्लोबल। होप यू गाइस डूइंग वेल। सो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे इन प्लेस डिप्लॉयमेंट विथ स्टैंड अलोन EC2 इंस्टेंस, और ये वीडियो हमारे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट का सीरीज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में स्टैंड अलोन क्यों सेटअप कर रहे हैं। मैं ये इसलिए इंस्टॉल ये सेटअप ये वीडियो इसलिए लॉन्च कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो हम लोग कैसे पहले EC2 इंस्टेंस सेटअप करेंगे, उसके अंदर हम एक NGINX सेटअप करेंगे, और उस सेटअप के अंदर हम लोग पहले कैसे एक कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल करेंगे एंड यूजिंग स्टैंड अलोन कोड डिप्लॉय पाइपलाइन के थ्रू हम एक मशीन के ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे, जो कि एक वेरी मिनिमल स्टेज होगा। उसके बाद ये मशीन का हम लोग इमेज करके ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे विथ लोड बैलेंसर, और उस इंस्टेंस के अंदर हम एक मशीन को यूज ना करते हुए पूरा एक ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करेंगे। तो इसलिए मेरा ये जो दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हमने इंट्रोडक्शन का देखा था ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, उसमें हमने कंपैरिजन देखा था विद इन प्लस। सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक EC2 इंस्टेंस करेंगे, ये उसके कुछ समरी है। पहले EC2 इंस्टेंस विद NGINX सेटअप करेंगे विद कस्टम वी होस्ट, इंस्टॉल AWS कोर डिप्लॉय एजेंट कैसे इंस्टॉल करेंगे, थर्ड सेटअप GitHub एंगुलर रेपो विद एप्सपेक एंड बिल्डस्पेक YML, ये दोनों फाइल इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी के लिए, सेटअप कोड बिल्ड प्रोजेक्ट फॉर प्रिपेयर अ बिल्ड एंड अपलोड टू S3 बकेट। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही बिल्ड हम डिफाइन करेंगे उसके बाद वो बिल्ड पर्टिकुलर एक हम बकेट के अंदर स्टोर करेंगे। क्रिएट एन एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप इन अ कोड डिप्लॉय टू बिल्ड टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन EC2 इंस्टेंस। हमें कोड डिप्लॉय के अंदर एक क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे पूरे सीरीज के अंदर तीन डिप्लॉयमेंट ग्रुप बनाएंगे, एक स्टैंड अलोन के लिए, दूसरा ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन प्लेस डिप्लॉयमेंट, और तीसरा जो रहेगा ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट विद ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर एक डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन ग्रुप और डिप्लॉयमेंट ग्रुप सेटअप करेंगे। क्रिएट अ कोड डिप्लॉय पाइपलाइन फॉर ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, हम लोग ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के लिए फॉर स्टैंड अलोन इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस विद इन प्लेस डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी। तो ये क्या होगा, हर एक सेगमेंट में से हम पर्टिकुलर सेटअप भी करेंगे और उसका जो डिफरेंस होगा या उसके अंदर जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ये पूरा समरी, ये पूरा मेथोडोलॉजी मैंने मेरे ब्लॉग के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। ये मेरा ब्लॉग का लिंक है servertechoLab.blogspot.com, जिसके अंदर मैंने पार्ट वन इन प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर विथ EC2 इंस्टेंस, और दूसरा मैंने ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट पार्ट टू भी लॉन्च कर चुका हूँ। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको सेटअप करना है उसका डिफरेंस, क्या मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया हुआ है, टैग क्या यूज किया हुआ है, कमांड सारा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो जिससे अगर आप वीडियो में कुछ मिस कर जाते हो तो वहां पे भी क्या कर सकते हो, रेफरेंस लेके आप सेटअप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट वन ऑफ इन प्लेस इंस्टॉलेशन विथ स्टैंड अलोन इंस्टेंस। सो सबसे पहले कि इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, पहले मैं अपना लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ कि मैं US वेस्ट नॉर्थ कैलिफोर्निया में हूँ, और एक मैं इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ T2 माइक्रो, क्योंकि हमारी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे मैंने एक चीज डिफाइन किया हुआ है कि मैं नेम डिफाइन कर रहा हूं विद एंगुलर इंस्टेंस, तो मैं टैग दे रहा हूं कॉपी, और ये कहां काम आएगा वो भी मैं बताऊंगा।
बट अभी के लिए इतना समझ लो कि मैं पर्टिकुलर एक नाम दे रहा हूँ EC2 इंस्टेंस को, कॉल्ड एंगुलर इंस्टेंस Ubuntu. मैं यहाँ पे 22 यूज कर रहा हूँ. T2 माइक्रो, एक नई की पेयर बना रहा हूँ कॉल्ड एंगुलर इंस्टेंस की, क्योंकि ये विंडोज है तो मैं यहाँ पे PPK यूज कर लेता हूँ एंड क्रिएट की पे. नेटवर्क सेटिंग डिफॉल्ट VPC है, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी एक बनाया हुआ है जिसमें मैंने पोर्ट 80 एंड 22 व्हाइटलिस्ट किया हुआ है. मुझे 22 पोर्ट नंबर में कैड करना पड़ेगा, सो मैं नया क्रिएट बना देता हूँ SSH एंड HTTP. यहाँ पे मैं सिंपल 15 GB यूज कर रहा हूँ. एडिशनली कोई यहाँ पे सेटअप नहीं कर रहा हूँ. लॉन्च इंस्टेंस, सो यहाँ पे पहला हमने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है विद कस्टम VHOST. तो अब हम ये मशीन के अंदर NGINX इंस्टॉल करेंगे और एक कस्टम VHOST डायरेक्टरी सेटअप करेंगे. VHOST की जगह पे अगर हम डिफॉल्ट NGINX कॉन्फ फाइल के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे और उसी को ही यहाँ पे सेटअप कर लेंगे. मैं यहाँ पे माई एंगुलर करके मेरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो. अब यहाँ पे मैं माई एंगुलर क्यों यूज कर रहा हूँ उसका भी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा कि माई एंगुलर जो मैंने डिफाइन किया हुआ है मेरे GitHub के buildspec.yml में डिफाइन किया हुआ है और वहाँ पे हम ये पर्टिकुलर पाथ मैंने ये यूज किया हुआ है इसलिए मैं ये डायरेक्टरी यूज कर रहा हूँ. आपके केस में आपको चेंज करना है तो देन यू कैन चेंज इट, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट बनाया उस हिसाब से ही मैं जा रहा हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो पाथ के हिसाब से, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिक पाथ यूज किया हुआ है. एंड मैंने की शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है या UBUNTU सिंपले कुछ यूजर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो सकता है लास्ट टाइम, इसके कारण मैं थोड़ा अपीयरेंस बढ़ा देता हूँ. सबसे पहले मैं APT अपडेट कर देता हूँ, तो जितने भी पैकेजेस पेंडिंग है और जो भी रिलीज फाइल्स है वो अपडेट हो जाएगी. ओके, नाउ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ NGINX, APT इंस्टॉल NGINX. ओके, सर्विस को मैं सिस्टम सीटीएल इनेबल भी कर देता हूँ. इनेबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सर्विस अगर इनेबल नहीं की होगी तो एट ए स्टार्टअप पॉइंट ये स्टार्ट नहीं होगी. एंड फर्दर वीडियोस के अंदर यही इमेज को इंस्टेंस को हम एज ए इमेज भी यूज करने वाले, तो पॉसिबल हो कि जो भी आप मशीन को प्रिपेयर कर रहे हो फॉर इमेज प्रोस्पेक्टिव उसमें जो जो सर्विसेस है आप स्टार्टअप में इनेबल कर दो.
जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके नाउ HTML पाथ पे आपका डिफॉल्ट इंडेक्स पेज बन चुका है. तो जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया है, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा कॉल्ड माय एंगुलर. और मेरे जो डिफॉल्ट Nginx है कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर जो डिफॉल्ट है उसी को मैं यूज कर रहा हूँ. इसमें आप देख सकते हो कि रूट डायरेक्टरी मेरा वार डब्ल्यू HTML है, उसकी जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ माय एंगुलर. आप अपने हिसाब से सेपरेट भी होस्ट, बट मुझे ये सिंपल एप्लीकेशन बनाना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड Nginx टर्म पे नहीं ले जाना है, इसलिए मैंने डिफॉल्ट Nginx conf में ही चेंज कर दिया. और मैं एक सर्विस Nginx रिस्टार्ट कर देता हूँ. ओके अब मैं ये सिंपल IP को कॉपी करके अगर मैं ब्राउज करूँगा, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट. मुझे यहाँ पे 4034 बिडन आएगा. रीजन बीइंग कि 4 डायरेक्टरी हमने बना दिया बट उसके अंदर कुछ रखा नहीं, ना तो फिर हमने कुछ उसके अंदर परमिशन सेट किया, ना डिफॉल्ट इंडेक्स पेज रखा हुआ, इसके कारण ये 4034 बिडन है. ओके सो इसको हम एज इट इज रखते. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हम लोग को AWS के अंदर कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल करेंगे. कोड डिप्लॉय एजेंट इंस्टॉल इसलिए करेंगे कि जब हम पर्टिकुलरली ये EC2 इंस्टेंस कोड डिप्लॉय के लिए यूज करेंगे यूजिंग कोड डिप्लॉय सर्विसेज, तो उसके लिए आपको कंपल्सरी एजेंट इंस्टॉल होना चाहिए. सो एजेंट इंस्टॉल आपका जब हम EC2 पे करेंगे तो वो डिपेंड रहेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे Ubuntu यूज करें तो APT बेस आपको क्या करने पड़ेंगे, पैकेज यूज करने पड़ेंगे. ओके तो मैं सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना बोल रहा है कि रूबी यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कि रूबी के ऊपर ये पर्टिकुलरली एजेंट है. APT अपडेट भी पहले कर देते हैं फिर से, क्योंकि हमने एक बार कर चुके तो दूसरी बार रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, बट इनकेस कोई आप सोर्स लिस्ट इंस्टॉल कर रहे हो और उसके बाद कोई पैकेज को अपडेट करना है तो APT अपडेट करना रिक्वायर्ड रहता है. तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ रूबी डैश पूल. आपको शायद कोई वर्जन के हिसाब से, OS के वर्जन के हिसाब से रूबी का वर्जन या फिर कुछ इश्यू कर सकता है, तो मेक श्योर करो कि स्टैंडर्ड जो AWS का गाइडलाइन है वही फॉलो करो. नाउ WGET यूजली होता है, अगर आपके पास WGET नहीं है तो इंस्टॉल कर लो. अब मैं यूजर होम डायरेक्टरी में जाके ये इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ा. अब डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर करो कि आपको जो स्टैंडर्ड Amazon के URL के ऊपर आपको जो URL दिए वो ऐसे दिए bucket name -s3.regionidentifier.amazon.aws.com/latest/install. इसका मतलब ये है कि आपको पर्टिकुलरली रीजन स्पेसिफिक बकेट का नाम देना है. तो मैंने पहले ही बताया कि मैं मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एन कैलिफोर्निया जो कि है US-West-1, तो मेरा जो URL रहेगा वो ऐसा रहेगा टू डाउनलोड दी डिप्लॉय कोड डिप्लॉय एजेंट. उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने रेफरेंस लिंक दिए हुए कि कैसे इंस्टॉल करना है और आपका कैसे पर्टिकुलर बकेट का नाम रहेगा. जैसे पर्टिकुलरली आप US-East-1 में हो तो ये बकेट का नाम रहेगा, ठीक है. तो और ये रेफरेंस URL आपको कैसे इंस्टॉल करना है वो दिया हुआ है. ये दोनों ऑफिशियल AWS की URLs है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे WGET करता हूँ बाय एंटरिंग इनटू माय होम डायरेक्टरी. तो मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी में हूँ क्योंकि यहाँ पे टिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है. आई थिंक दो बार कॉपी हो चुका है शायद. एंटर. ओके देन हमें CH मोड करना है. जो भी हमारा इंस्टॉल्ड फाइल डाउनलोड हो चुका है इसको हम एग्जीक्यूशन का परमिशन देंगे.
एंड इंस्टॉल रहेगा आपका डॉट इंस्टॉल स्लैश डॉट इंस्टॉल स्पेस और ऑटो। तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर EC2 इंस्टेंस के ऊपर एक सर्विस डिप्लॉय करेगा और वो सर्विस का नाम रहेगा कोड डिप्लॉय एजेंट। तो मैं यहाँ पे सर्विस को स्टार्ट भी कर देता हूँ एंड उसको इनेबल भी कर देता हूँ। नाउ हमारा सर्विस स्टार्ट भी हो गया एंड अब रन भी हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर हम की बात करें तो इंस्टॉल AWS कोड एजेंट भी हो गया है, सेटअप GitHub एंगुलर रेपो विद abstract.yml एंड buildspec.yml। ये मेरा GitHub का रेपोजिटरी है जो लिंक मैंने मेरे जो मेरा ब्लॉग है उसमें अंदर मैंने डिफाइन किया, और ये पब्लिक रेपो है तो आप अपना फॉक करके आप अपना चेंजेस कर सकते हो। दूसरा, मैंने ये एक सैम्पल एप्लीकेशन एंगुलर यूज की हुए, आप अपना कस्टम यूज कर सकते हो। ओके, सो ये मेरा एक रेपोजिटरी है एंगुलर डेस्क EC2 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैंने दो फाइल बनाई है, abstract.yml एंड buildspec.yml। तो पहले फाइल देखते हैं, फिर उसका क्या काम रहता है वो देखते हैं, क्योंकि दो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जब EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय कर रहे हो या यूजिंग कोड डिप्लॉय। तो पहले देखते हैं abstract.yml। तो abstract.yml क्या होती है, तो abstract.yml इज यूज टू स्पेसिफाई द डिप्लॉयमेंट एक्शंस टू बी टेकन बाय कोड डिप्लॉय। जो कोड डिप्लॉय को एक्शन लेना है वो यहां पे डिफाइन होगा। इट इज क्रूशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज्ड इन AWS कोड डिप्लॉय फॉर डिफाइनिंग द डिप्लॉयमेंट एक्शंस एंड स्पेसिफाइंग हाउ कोड डिप्लॉय शुड मैनेज द कोड डिप्लॉय प्रोसेस फॉर योर एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉयमेंट होगा और पर्टिकुलरली वो कैसे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को मैनेज करेगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन ये फाइल के अंदर डिफाइन रहता है। दिस फाइल इंडिकेट द डिटेल अबाउट द फाइल ट्रांसफर्ड डेस्टिनेशन फाइल दोस फाइल एंड लाइफ साइकिल इवेंट दैट अलाउ यू टू रन द कस्टम स्क्रिप्ट एट वेरियस स्टेज। तो आप अपने कस्टम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। अब ये फाइल को देखते हैं कि कैसे ये फाइल है। तो ये फाइल मैंने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया। आपकी एप्लीकेशन का अगर बिहेवियर अलग रहता है तो आपको वो चेंज करना है। जैसे कि मेरे पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर हम लोग एक डिस्क फोल्डर बनाएंगे और ये पर्टिकुलर माय एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर मैं फोल्डर बनाऊंगा और उसको डेस्टिनेशन करूंगा पर्टिकुलरली मेरे wdbdb माय एंगुलर फोल्डर के अंदर। ये उसके अंदर परमिशन वैलिडेट करेगा, पैटर्न स्टार रहेगी जो कि फोल्डर सब फोल्डर के अंदर रहेगा, मोड रहेगा C755। मैंने यहाँ पे कोई सेपरेट यूजर नहीं बनाया है, मैं रूट से ही पूरा एप्लीकेशन मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे रूट यूज किया है। आपके केस के अंदर आपने कस्टम यूजर बनाया है NGINX यूजर्स के लिए तो आपको वहां पे परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये आपको यूजर चेंज करना पड़ेगा। टाइप फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों को आपको क्या करेंगे, 755 डायरेक्टरी परमिशन ओवरराइड करेगा एंड हुक करेगा अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो डिप्लॉय स्क्रिप्ट एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हुक डॉट sh और मैंने यहाँ पे टाइम आउट 300 सेकंड्स कर दिया। तो ये मेरा एंगुलर फाइल है। इसके बाद मैंने ये डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट भी किया है एंड ये मेरी हुक फाइल है। तो हुक फाइल में सिंपल मैंने NGINX को रीस्टार्ट किया हुआ, एट अ मोमेंट जब स्टार्ट होगा तब NGINX का सर्विस रीस्टार्ट होगा, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल मैंने एक फाइल ही बनाई है। नाउ उसके बाद मेरा बिल्ड स्पेक फाइल ये रहता है। बिल्ड स्पेक फाइल इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल यूज बाय AWS कोड बिल्ड टू डिफाइन द बिल्ड प्रोसेस फॉर योर एप्लीकेशन एंड दिस फाइल स्पेसिफाइड द कमांड टू रन द बिल्ड इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन बिल्ड रनिंग टेस्ट पैकेजिंग एप्लीकेशन एंड इट ऑल्सो डिफाइन आर्टिफैक्ट टू प्रोड्यूस एंड कैन इंक्लूड द एनवायरमेंट वेरिएबल एंड अदर सेटिंग। सो ये बिल्ड spec.yml जो रहेगा वो आपके बिल्ड स्टेज के ऊपर काम करेगा।
जिसके अंदर आपका जैसे ये फाइल को देख सकते हो, तो उसमें पहला है इंस्टॉल फेस है, रन टाइम वर्जन, मैंने वर्जन डिफाइन किया हुआ है रन 12। अगर आपको ये फाइल के अंदर कुछ भी डाउट है, तो आप पहले आप अपना एप्लीकेशन का बिहेवियर अंडरस्टैंड करो। एप्लीकेशन बिहेवियर आपको डेवलपर आप एक सही पर्सन है जो आपको गाइड करेगा कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। npm एंगुलर पर्टिकुलरली मैंने एप्लीकेशन यूज किया हुआ है, एंड npm इंस्टॉल बिल्ड करेगा --prod मेथोडोलॉजी के लिए, एंड ये पर्टिकुलर फाइल्स को स्टोर करेगा dist एंड my angular project एंड star, एंड ये फाइल को वैलिडेट करेगा abstract.yml को एंड deploy script star। ओके, सो ये मेरा रेपो के अंदर दो फाइल है, abstract और build spec, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे चुका हूं। नाउ नेक्स्ट, हमारी फाइल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक बिल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर आपका जो भी बकेट मतलब जो प्रोजेक्ट ओनरशिप होगा और पर्टिकुलरली जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू बिल्ड द प्रोजेक्ट, और जो भी बिल्ड रहेगा हमारा S3 पे अपलोड रहेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, AWS डेवलपर कूल के अंदर बिल्ड बनाते, बट उससे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, S3 बकेट, S3 टू स्टोर दी रेपोजिटरी, या फिर हम S3 एग्जिस्टिंग मेरी रेपोजिटरी उसको यूज करेंगे। ये मैंने रिसेंटली बनाई हुई, तो इसको ही हम लोग यूज कर लेते हैं टू स्टोर दी बकेट। ओके, सो सबसे पहले मैं चला जाता हूं कोड बिल्ड कोड बिल्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक डेवलपमेंट डेवलपर टूल के अंदर आप चले जाओगे। अगर आप सर्च करते हो फॉर डेवलपर टूल, उसके अंदर सारी सर्विसेज है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑटोमेशन एंड कोड डिप्लॉयमेंट, जिसमें आप कोड कमिट, कोड बिल्ड, डिप्लॉय एंड पाइपलाइन, ये सारी टेक्नोलॉजीज के मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलरली टूल के अंदर अंडरस्टैंड करना है तो आप पर्टिकुलर वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो मैं पहला ओपन करता हूँ बिल्ड एंड बिल्ड प्रोजेक्ट बनाता हूँ। बिल्ड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ माय एंगुलर बिल्ड प्रोजेक्ट। ओके, अब यहां पे मुझे सोर्स डिफाइन करना है, तो मैं यहां पे सोर्स पूछ रहा हूं और मैं यहां पे गिटहब यूज कर रहा हूं। यहां पे पर्टिकुलरली मेरा गिटहब रेपोजिटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आपका नहीं होता तो आप पर्टिकुलर यहां पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट टू गिटहब, जिसमें आपको एक ऑथराइजेशन पूछेगा, बट सेम ब्राउजर में आपको गिटहब ओपन करके रखना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली ऑथराइज कर लेगा। मेरे यहाँ पे एंगुलर EC2 प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सोर्स आपको पर्टिकुलरली अगर वर्जन डिफाइन करना है ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रीबिल्ड एवरी टाइम व्हेन कोड चेंजेस पुश टू दिस रिपोजिटरी, यहाँ पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ ऑटोमेटेड ट्रिगर, और सिंगल बिल्ड बनाना है। ओके, यहाँ पे एनवायरमेंट क्या रहेगा कोड बिल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे अमेजोन लिनक्स की जगह पे मैं उबंटु यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक नया रोल बना रहा हूँ फॉर बिल्ड। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माय एंगुलर बिल्ड प्रोजेक्ट, तो ये रोल बनेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइम आउट का, डिफाइन कर सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर जब एनवायरमेंट बिल्ड हो रहा है अगर उस टाइम पे कुछ टाइम आउट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट 1 आवर है, अगर कम करना है तो कर सकते हो, फ्यू टाइम 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट यूज करना है तो भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मिनिमल है तो मैं 3 GB पे डिफॉल्ट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे एडिशनली पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। यहाँ पे बिल्ड स्पेक
आप पर्टिकुलर कमांड यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, बट मेरे सोर्स कोड में बिल्ड स्पेक मैंने डिफाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि बिल्ड स्पेक डॉट वाई एम एल ये फाइल हमने यही नाम से डिफाइन किया है। अगर आपके पास कोई और वो भी रूट डायरेक्टरी के अंदर है, मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट को ओपन करो तो बाहर ही मेरे पर्टिकुलर होम रूट पाथ के ऊपर ही बिल्ड स्पेक फाइल बनाई है और मैंने यही फाइल नाम दिया हुआ है बिल्ड स्पेक डॉट वाई एम एल। अगर ये फाइल अगर आप कस्टम करते हो तो देन आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर डिफॉल्ट है वो भी रूट पाथ पे है देन आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि बिल्ड स्पेक 2.yml अगर ऐसा नाम है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर आपके कोई फोल्डर पाथ के अंदर है तो आपको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन एंड बिल्ड स्पेक डॉट वाईएमएल। मेरे सिनेरियो में यही है। आर्टिफैक्ट, तो ये फाइल आपको आर्टिफैक्ट करना है S3 के ऊपर और मैं यहाँ पे S3 ये मैंने नाम दिया हुआ है जो वहां पे ही मैं अपलोड कर रहा हूं। ओके और फोल्डर में नया बना देता हूं कॉल्ड एंगुलर लेटेस्ट, तो ये फोल्डर बनेगा और उसके अंदर आपका पाथ स्टोर होगा। जिप फॉर्मेट में भी कर सकते हो, नन करते हो तो कंप्रेस फॉर्मेट में भी रहेगा एज इट इज रहेगा, तो मैं एज इट इज रखता हूँ। क्लाउड वॉच लॉग आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ और S3 पे भी लॉग कर सकते हो। तो ये मेरा बिल्ड प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। ये सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है, कौन से ऑप्शंस रहेंगे, ये सारा चीज मैंने ये डॉक्यूमेंट में रखा हुआ। फिल्टर ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी, कहाँ पे इशू आ रहा है, सॉरी मैंने एक फिल्टर ग्रुप बना दिया था, क्रिएट करूं, रोल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, रोल नेम भी बन चुका है सो मुझे यूज करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग रोल IAM रोल कहाँ गया। Use existing and my Angular project name is already created, so हमारा project create हो चुका है। वापिस मैं build projects में जाता हूँ तो मेरा ये project बन चुका है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बिल्ड करता हूँ और वैलिडेट करने के लिए कि भाई ये पर्टिकुलरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि बिल्ड थोड़ा टाइम लगेगा पर्टिकुलरली। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही ये बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं हम वापिस आते हैं। ओके सो यहाँ पे हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है और आप S3 बकेट में जाके तो आप देख सकते हो कि 1233 को ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए abstract.yml deploy script एंड distribution, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर माई एंगुलर प्रोजेक्ट पूरा बनेगा जो सोर्स कोड है आपका एप्लीकेशन का। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें बनाना है क्रिएट एप्लीकेशन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप टू डिप्लॉय दी एप्लीकेशन इन PC2 इंस्टेंस। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कोड डिप्लॉयमेंट में जाके एक एप्लीकेशन बना दे, कोड डिप्लॉय एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे तीन एप्लीकेशंस बनाएंगे, पहला स्टैंड अलोन, दूसरा इन प्लेस विथ ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर एंड ब्लू ग्रीन विथ ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर। तो हम लोग पहले बनाते हैं स्टैंड अलोन PC2।
और वो भी इनप्लेस्ड। अब कंप्यूट प्लेटफॉर्म में यहाँ पे तीन ऑप्शन है, EC2 ऑन प्रीमाइस, AWS Lambda एंड ECS। तो यहाँ पे हम EC2 पे कर रहे हैं, तो EC2 एंड क्रिएट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप का, तो डिप्लॉयमेंट ग्रुप बना दे और नाम दे देते हैं सेम वे EC2 स्टैंड अलोन एंड डिप्लॉयमेंट ग्रुप। सर्विस रोल, तो यहां पे कोड डिप्लॉय EC2 सर्विस रोल में बनाया हुआ है, ऑलरेडी है। अब यहां पे दो ऑप्शन है, इन प्लेस एंड ग्लोबली, जो कि मेन कोर पार्ट है हमारे वीडियो सीरीज का। इन प्लेस अपडेट द इंस्टेंस इन अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप विद द लेटेस्ट एप्लीकेशन वर्जन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, ईच इंस्टेंस विल बी ब्रेक टेकन ऐप ऑफलाइन फॉर इट्स अपडेट। मतलब उसको ऑफलाइन करना पड़ेगा, देन अपडेट होगा। ब्लू ग्रीन में क्या होगा, रिप्लेस एन इंस्टेंस इन अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप विद न्यू इंस्टेंस, जो हमने डिप्लॉयमेंट डिफरेंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अभी फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे इन प्लेस। अब यहां पे ऑप्शन आता है एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, आपकी जो एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के लिए आपके पास एक इमेज होना चाहिए, इमेज के लिए आपके पास इंस्टेंस होना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम हम जब सेटअप करेंगे वो EC2 इंस्टेंस पे करेंगे, जो कि सिंगल मशीन होगा। अब जो मैंने बताया ना कि टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां पे टैग से क्या होगा, आपका EC2 इंस्टेंस आइडेंटिफाई होगा। इसलिए मैंने बताया था कि जब हम इंस्टेंस क्रिएट करे थे तो हमने एक टैग क्रिएट किया था विद द नेम कॉल्ड एंगुलर इंस्टेंस। तो मैंने बताया था कि टैग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब आप सेटअप करोगे, और ये जब आप इंस्टेंस लोकेट करोगे तो ये वैलिडेट करेगा इंस्टेंस वैल्यू का। इंस्टॉल AWS कोड एजेंट डिप्लॉय एजेंट नाउ एंड स्केड्यूल अपडेट्स, क्योंकि हमने कोड डिप्लॉय एजेंट वैलिडेट कर चुका है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन में वो 14 डेज पे वैलिडेट करता रहे। डिप्लॉयमेंट सेटिंग्स ऑल एट वंस, वन एट हाफ, लाइक हाफ वन एंड हाफ, सो मुझे करना है ऑल एट वंस, सारा का सारा एक ही साथ कर देता हूँ। लोड बैलेंसर मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। बट जब हम पर्टिकुलरली EC2 विथ ऑटो स्केलिंग करेंगे तब लोड बैलेंसर को अटैच करेंगे। एडवांस में ऑप्शन में ट्रिगर डिफाइन कर सकते हो, अलार्म डिफाइन कर सकते हो, रोल बैक डिफाइन कर सकते हो, नोटिफिकेशन आप सेट कर सकते हो कि अगर कुछ नया इन प्लेस होता है डिप्लॉयमेंट तो मुझे होना चाहिए। तो क्रिएट डिप्लॉयमेंट ग्रुप, अब हमने डिप्लॉयमेंट ग्रुप बना दिया है EC2 ऑन प्रीमाइस, ये सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। अब हमें सेटअप IAM रोल फॉर EC2 इंस्टेंस एंड अटैच टू EC2 इंस्टेंस। अब EC2 पे हमें रोल क्यों अटैच करना है, क्योंकि रोल अटैच करेंगे तो जो कोड डिप्लॉय हमने इंस्टॉल किया है वो डेटा गैदर कर पाएगा, और जो भी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है वो EC2 इंस्टेंस के ऊपर वो गैदर कर पाएगा इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रोल ऑलरेडी बना चुका हूं, वो रोल के ऊपर हमें क्या करना है, ये चार सर्विसेज को अटैच करना है, ये चार रोल परमिशंस को अटैच करना है, ओके। सो मैं यहाँ पे EC2 इंस्टेंस पे जाता हूं, एंड EC2 इंस्टेंस के ऊपर इस सर्विस को अटैच करते हैं। लेट्स अटैच विथ EC2 इंस्टेंस। एक्शंस सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई रोल, और मैंने ये रोल बनाया हुआ एंगुलर EC2 रोल्स एंड अपडेट, ओके। अगर आपको रोल बनाना है देन यू नीड टू नेविगेट टू IAM और आप रोल बना सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कैसे उपयोग करना, ठीक है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट अ पाइपलाइन एंड जो हम कोड डिप्लॉय पाइपलाइन सेटअप करेंगे और उसके अंदर सारी डिटेल्स डिफाइन करेंगे एंड उसके अंदर हम सारे स्टेजेस डिफाइन करेंगे। तो कोड डिप्लॉय पाइपलाइन के लिए पाइपलाइन में जाना है एंड यहां पे क्रिएट पाइपलाइन। तो अभी तक हमने क्या किया है कि कोड बिल्ड कर दिया, बिल्ड करने के बाद हमने कोड डिप्लॉय की ग्रुप बना दिया है। अब वही चीजों को एक्सेप्ट सारे कंबाइन करके एक पाइपलाइन बनाते हैं। माय एंगुलर पाइपलाइन पैरेलल में जाते हैं, न्यू सर्विस रोल, सर्विस रोल एक बनाएगा आपका फॉर पाइपलाइन। नेक्स्ट सोर्स हमारा रहेगा गिटहब, मैं वर्जन 2 यूज कर रहा हूं। कनेक्शन यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन है, वर्जन 1 में देख लेते हैं। कनेक्ट टू गिटहब, मेल आईडी मेरा, मैंने यहाँ पे ऑथराइज किया हुआ कंफर्म। मैं यहाँ पे रिपोजिटरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांच मेरी मेन, मींस हम जब भी चेंज करेंगे मेन ब्रांच में तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय रन होना चाहिए। यहाँ पे गिटहब वेबहुक रिकमेंडेड और AWS कोड पाइपलाइन भी कर सकते हो। ये क्या करेगा, जब भी आपके गिटहब में चेंजेस होगा ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। अगर ये सिलेक्ट करते हो तो पीरियडिकली चेक करेगा पीरियडिकली कि कोई चेंजेस है कि नहीं है, तो पीरियडिकल में तुरंत अब डिप्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गिटहब वेबहुक रिकमेंडेड यूज करता हूँ। नेक्स्ट बिल्ड हमने यूज किया हुआ है AWS कोड बिल्ड। AWS कोड बिल्ड के अलावा जेनकिंस का भी बिल्ड यूज कर सकते हो, कोड बिल्ड यूज कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट नेम जो मैंने बनाया था, सिंगल बिल्ड या बैच बिल्ड, तो सिंगल बिल्ड में ही हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। नेक्स्ट एंड प्रोवाइडर मेरा यूज करूंगा मैं AWS कोड बिल्ड, सॉरी कोड डिप्लॉय। कोड डिप्लॉय के अलावा क्लाउड फॉर्मेशन, स्टैक सेट, इलास्टिक बीनस्टॉक और सारी चीजें यूज कर सकते हो, ECS ब्लू ग्रीन, ECS S3 और ये भी। कोड डिप्लॉय में यूज कर रहा हूँ, मेरा एप्लीकेशन का नाम स्टैंड अलोन है और डिप्लॉयमेंट ग्रुप ये। अब नेक्स्ट फेज के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि इन प्लेस विद ऑटो स्केलिंग एंड ब्लू ग्रीन विद ऑटो स्केलिंग, तो वो चीज, वो फेज के अंदर हम लोग पाइपलाइन यही यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी चेंज करेंगे। ये है हमारा स्टैंड अलोन, उसके बाद विद हम लोग करेंगे इन प्लेस विद ऑटो स्केलिंग एंड तीसरा होगा ब्लू ग्रीन विद ऑटो स्केलिंग। ठीक है, तो ये पहला है। ठीक है, तो पाइपलाइन हम यही यूज करेंगे हर एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट, और ये पूरा समरी है क्रिएट पाइपलाइन। तो ये हमारा पाइपलाइन बन चुका है और फर्स्ट टाइम हम उसको रिलीज चेंज करेंगे टू वैलिडेट कि पाइपलाइन रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो कि इन प्रोग्रेस में है, सॉरी दो इन प्रोग्रेस में हो चुके, एक को मैं स्टॉप करूंगा। रिफ्रेश करता हूं, ओके ये इन प्रोग्रेस में है। सोर्स उसको मिल चुका है, बिल्ड कर रहा है क्योंकि एवरी मोमेंट वो बिल्ड करेगा एंड अपलोड करेगा आपके S3 पे। रीजन बीइंग आपके एवरी चेंजेस नए चेंजेस के साथ रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये बिल्ड एंड उसके बाद डिप्लॉय।
तो ये कुछ टाइम इस प्रोसेस में लगेगा, तो मैं ये पर्टिकुलर वीडियो को अगेन पॉज कर रहा हूँ और वापस स्टार्ट करूँगा रिज्यूम जब ये डिप्लॉय भी हो जाएगा, अगर सभी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन सही है या कुछ टेक्निकली हमने गलती नहीं की है तो ये सारा सक्सेसफुल हो जाएगा, या तो फिर कुछ एरर दिखाएगा। तो मैं जैसे ही ये बिल्ड और डिप्लॉय प्रोसेस कंप्लीट हो जाता हूँ मैं रिज्यूम करता हूँ। ओके ऑल राइट, सो हमारा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे कि बिल्ड कुछ 48 मिनट्स को हो चुका है, डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। नाउ मैं ये मशीन जो EC2 इंस्टेंस है उसको पब्लिक IP से एक्सेस करता हूँ एंड वैलिडेट करता हूँ कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन ओपन। यस, सो एंगुलर एप्लीकेशन एक सैम्पल है वो ओपन हो चुके हैं और मशीन को हम कनेक्ट भी कर लेते हैं अगेन, और जो हमने डायरेक्टरी डिफाइन की थी उसके अंदर सोर्स कोड एक्सट्रैक्ट हुआ है कि नहीं। मैं थोड़ा चेंज सेटिंग में अपीयरेंस चेंज कर देता हूं। ओके, सो हमारा जो पाथ था var/var /dub एंड my angular, सो जो पहले डायरेक्टरी 403 आ रहा था, जैसे कि ये पेज अभी भी ओपन है, पहले 410 आ रहा था बिकॉज हमने कोई फाइल अपलोड की नहीं थी। अब अगर इसको रिफ्रेश करते तो ये सैंपल एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपकी सैंपल एप्लीकेशन या जो भी एंगुलर एप्लीकेशन है आप इन प्लेस डिप्लॉयमेंट के थ्रू एक स्टैंड अलोन EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर टॉपिक ये रहेगा कि हम लोग स्टैंड अलोन इंस्टेंस की जगह पे ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से डिप्लॉय करेंगे यूजिंग ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर, और एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।